हेलो फ्रेंड्स दिस इज देवशी शवस्ती वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड देखिए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंटें टॉपिक दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज ओके तो ये टॉपिक हम डील करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज होती क्या है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके एडवांटेजेस इनकी प्रॉब्लम्स दोनों डिस्कस करेंगे और एंड में कंक्लूजन भी लिखेंगे याद रखिएगा आपको हमारे कंप्लीट लेक्चर्स की सीरीज देखनी हो तो प्लीज़ एप्लीकेशन में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाकर हमारे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं

जो क्वालिटी मेंटेन कर रखेगी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखेगी उस स्पेसिफिक सेक्टर का ठीक है रिमेंबर एंड देन टू एनफोर्स दो स्टैंडर्ड, मतलब वो क्वालिटी जो है उसको एनफोर्स करके उसको और बेटर कर सकेगी ओके okay? क्योंकि गवर्नमेंट अब हर बॉडी हर पर्टिकुलर सेक्टर को तो ध्यान दे नहीं सकती तो इसलिए उसने हर सेक्टर के लिए फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को रेगुलेट करेगी ओके okay. अब सरकार ने जो बॉडी बनाई है ठीक है ये रेगुलेटरी बॉडी जो होगी रिमेंबर ये ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पार्ट हो एग्जीक्यूटिव मतलब उसको स्टेटुचरी स्टेटस नहीं दिया गया हो स्टेटुचरी स्टेटस मीन्स होता है याद रखिएगा कोई भी बॉडी बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनी हो मतलब उसके लिए एक बिल पास हुआ हो उसके थ्रू वो बॉडी बनी हो रिमेंबर तो

रेगुलेटरी बॉडी तो है बट स्ट्रटचरी स्टेटस को नहीं मिला गया है ठीक है है कोई एक्ट से नहीं बनी सो रिमेंबर so ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती है एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं जिनको स्पेसिफिक सेक्टर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको देखने के लिए उसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए स्टैब्लिश करती है गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का भी याद रखिएगा पार्ट हो सकता है ओके okay? और हो सकता है उसको स्ट्रेटुचरी स्टेटस भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा हो ठीक है अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ शायद आप और ज्यादा uh, uh, एक्सेप्ट समझ पाएंगे चीजों को ठीक है देखिए मैंने बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी लिख रखी है और उसके बगल में सेक्टर लिख रखे हैं जैसे आरबीआई आरबीआई मैंने बैंकिंग लिख रखा है इंश्योरेंस के लिए मैंने आई लिख रखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन के लिए पी लिख रखा है ठीक है हाउसिंग फाइनेंस के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक लिख रखा है है ना टेलीकॉम टेलीकॉम का आपने सुना होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है मूवीज के लिए आपने सुना होगा सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ऐसे करके आप देख सकते हैं क्रिकेट के लिए मैंने लिखा है दैट इज बीसीसीआई तो बहुत सारी बॉडी स्टैब्लिश की गई है जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो रेगुलेट करती है अपने पर्टिकुलर सेक्टर को ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं Uh, अगर हम आगे बात बढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है ये रेगुलेटरी बॉडीज का मैं हिस्ट्री पूछूँ देखिए तो हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत नहीं है uh, एक बार सी बात याद रखिए रेगुलेटरी बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट uh, है ठीक है ये आया है यूएसए से रिमेंबर यूएसए की जो रेगुलेटरी बॉडीज हुआ करती थी वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होती थी ठीक है इंडिया में तो देखिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है आपको पता है गवर्नमेंट का कितना ज्यादा इंटरफेरेंस है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उसको हम प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे बट यूएसए का जो एग्जाम्पल है रेगुलेटरी बॉडीज का उसमें इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था ठीक है तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया है में रिमेंबर सो द नोशन ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज़ एजेंसी इनिशिएट हुआ था कहां पर यूएसए में ठीक है अमेरिका में स्टैब्लिश हुआ था और फर्स्ट एजेंसी वहां बनाई गई थी रेगुलेटरी बॉडी की इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन जो कि 1887 में स्टैब्लिश की गई थी टू टू तो कंट्रोल रेल रोड्स तो या देखिए रेल रोड्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की थी ओके okay? तो वहां पर याद देखिए बस वहां से इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज को कंपेयर करें तो वहां की बॉडीज बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं बट इंडिया में इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है बोलते तो हैं गवर्नमेंट बॉडी उनको इंडिपेंडेंट वर्क कर सकती हैं बट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट uh, अगर इनके फंक्शंस देखे जाएं तो ऑफकोर्स जिस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए वो बॉडी स्टैब्लिश की गई है तो ऑफकोर्स उसका हर चीज वो बॉडी देखती है ओके okay. जैसे कि मैंने लिखा है पहला है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ये तो हर बॉडी का काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे ओके okay. दूसरा है मॉनिटरिंग कंप्लाइंस मतलब जो उस बॉडी के रूल्स रेगुलेशन बॉडी जो बनी इस्टेब्लिश की गई है फॉर एग्जाम्पल आर है बैंकिंग के लिए बनाई गई है तो जो रूल्स रेगुलेशन है वो कम्पाइम कम, उसका याद रखिएगा कंपायलेंस uh, हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं अढ़ेर हो रहा है कि नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन उसको मॉनिटर करती रहती है ओके okay, जो गवर्नमेंट और यूजर्स के बीच में ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लोग वर्क करते हैं गवर्नमेंट के साथ रिमेंबर ठीक है तो ये देखा गया यहां पर कि जो रूल्स रेगुलेशंस है ठीक है उसको मॉनिटर करती है वो पर्टिकुलर बॉडी ओके सेबी भी बहुत से रूल्स बनाती है ठीक है स्टॉक मार्केट के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करती है okay. Then, safety, quality, standard, है स्टॉक मार्केट के अफेयर्स को ओके देन टेक्निकल सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड ठीक इसको भी मैनेज करती है जिस भी सेक्टर के लिए होगी वो बॉडी तो उसकी सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड टेक्निकल जैसे बीसीसीआई की बात करें तो पूरा सब कुछ देखती है कि नहीं देखती रिगार्डिंग क्रिकेट ओके फोर्थ देखा है तो अगर फॉर एग्जाम्पल uh, वो पनिशमेंट्स भी देते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के अंदर बहुत सारे बैंक हैं ठीक है अब बैंक अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे जो आर ने स्टैब्लिश की है फॉर एग्जाम्पल तो क्या करेंगी नॉन कम्पलाइंस तो उन पर पेनल्टीज लगाएगी आर तो पेनल्टीज भी लगाते हैं वो रिमेंबर एस्टैब्लिशिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मेंटेन करके रखते हैं और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करते रहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है उनके अंदर जो भी सेक्टर है उसके अंदर जो भी लोग और भी वर्क कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है उसको देखते हैं ओके okay, डिस्प्यूट हो गया है अगर ठीक है पर्टिकुलर सेक्टर में तो उस डिस्प्यूट को भी रिजोल्व करने में पार्टिसिपेट है, करते हैं रिमेंबर प्लस गवर्नमेंट को उस स्पेसिफिक सेक्टर में गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनानी होगी सो so, इनका रोल आता है वहां पर ठीक है इवन प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो इनसे पूछा जाएगा कि आ, क्या हम रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं सो गवर्नमेंट याद रखिए जो भी पॉलिसी मैटर्स बनाती है रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक सेक्टर तो उन बॉडीज को वहां पर बुलाया जाता है ओके okay? तो ये कुछ एक बेसिक फंक्शंस हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं ओके okay. अब हमारा जो डिस्कशन है आई थी होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गए बहुत सिंपल सिंपल है पब्लिक इंटरेस्ट मेंटेन करना ठीक है जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मॉनिटर करना ठीक है टेक्निकल सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड उस सेक्टर को मेंटेन करना कोई नॉन कंप्लाइज कोई ऑर्डर्स नहीं माना उन पर पे पेनल्टी लगाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना ठीक है परफॉर्मेंस एनालिसिस करना डिस्प्यूट हो उसको रिजोल्व करना और गवर्नमेंट कभी भी उस सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाए तो अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना ओके सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज ओके आगे अगर मैं डिस्कस करूं ठीक है तो इश्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इश्यूज और सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडी पहला इशू रेगुलेटरी स्प्रॉल ठीक है व्हाट बॉडी मीन मै रेगुलेटरी स्प्रॉ अब देखिए जब से देश आजाद हुआ तब से हम देख रहे हैं बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई है ओके देखिए इन इंडिया दे बीन दे आर टोटल सिक्सटी रेगुलेटरी बॉडीज एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल सिक्सटी से भी ज्यादा है मतलब अराउंड सिक्सटी बॉडीज हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों लेवल पे इन द नेम ऑफ स्पेशल क्यों बनाई गई हैं क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर

ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज हो जाती है इट लीड्स टू ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस ओके रिमेंबर सो गवर्नमेंट फेलियर टू डीमार्केट गवर्नमेंट इतना यार एक वाटर टाइट क्शन को सेपरेट नहीं कर सकती बिटवीन द बॉडीज ओके सो गवर्नमेंट फेलियर टू डिमार्केट फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज हैड क्रिएटेड ओवरलैपिंग ऑफ फंशन ओके और इससे क्या हो रहा है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द बॉडीज ऑल्सो है ना और ऑल्सो याद देखिएगा जब बॉडीज के बीच में कंफ्यूजन होता है तो कंफ्लिक भी आते हैं बहुत से आप केसेस देखेंगे बॉडीज का आपस में ही कंफ्लिक्ट चल रहा है कि ये मैटर किसके एरेना के अंदर आएगा किसके एरिया के अंदर आएगा रिमेंबर और इससे क्या होता है एक तरीके से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्योंकि जो यूजर्स हैं ठीक है जो बिजनेसमैन है ओके okay? जब दो बॉडीज रेगुलेट करने लगती है वो आपस में

पर्टिकुलर मैटर किसके अंदर आएगा इंश्योरेंस कुछ स्टॉक्स रिलेटेड मैटर्स थे दोनों में क्लैश हो रहे थे ओके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस से भी ओके okay. अगेन दे वॉज अ क्लैश तो देखा जाए बहुत सारी बॉडीज है आपस में इनके फंक्शंस में क्लैश हो रहा है अब आपको देखने नहीं कौन कौन से फंक्शंस हैं बट हर बॉडीज के फंक्शंस में क्लैश हो रहा है इवन एजुकेशन सेक्टर में ही बात करें तो ए आई सी टी ई एंड यू जी सी ठीक है इनमें भी क्लाशे देखे जाते थे ओके सो गवर्नमेंट क्या करे अब देखिए इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज है तो सोल्यूशन में तो मैं बताऊंगा कि एटलीस्ट जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है ठीक है आरबीआई को अलग कर दिए बट जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज है उन सबको कंपाइल करके एक यूनिफाइड बॉडी बना दीजिए ओके गवर्नमेंट इस पर वर्क भी कर इवन बिल भी पास किया गया है रखा गया है कि यूनिफाइड बॉडी स्टैब्लिश कर सके एटलीस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में ही बना ले, एक start तो कर सकते हैं ये एक solution हो सकता है। अभी तो प्रॉब्लम है regulatory, की, क्योंकि इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश है जिसके फंक्शन तो क्या हो रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं है फंक्शनिंग अब इनको बनाया गया था एक स्पेसिफिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए उसकी क्वालिटी उसके परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए बट देखा गया है कि रेगुलेटरी बॉडीज फेल हुई हैं ये बेसिक जो उनका ड्यूटी थी उस पर फेल हुई हैं द कंट्री फेलिंग टू मीट द बेंच मार्क जो बेंच मार्क्स थे उसके लिए फेल हुई है जैसे कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं ओके okay. सो so, जिस तरह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं सो so ये बताते हैं कि फेलियर ऑफ आरबीआई टू कर्व द मिन ऑफ एनपीए तो आपका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था कि एनपीए जो है वो इंडिया का नहीं बनना चाहिए बट एनपीए इतना बढ़ा जा रहा है तो वट दिस बॉडीज हैव बीन डूइंग, ओके सो ये क्वेश्चन मार्क आता है कि फंक्शन इनकी इनफेक्टिव है बहुत जगह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इनके ओके okay. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है दूसरा ऑटोनॉमी का इशू ये बहुत बड़ी मेजर बात है मैंने बताया था यूएसए में बहुत ज्यादा बॉडी इंडिपेंडेंट होती हैं बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस होती हैं बट इंडिया में इतनी ऑटोनॉमी नहीं है याद रखिएगा रेगुलेटरी बॉडीज लैक्स ऑटोनॉमी इनके जो मेबर्स होते हैं ना वो देर अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट जब गवर्मेंट अपॉइंट करेगी तो गवर्मेंट अपने मेम्बर्स वहाँ पर पहुँचा देती है ओके okay. तो याद रखिएगा जैसे नेपोटिज्म फेवरेटिज्म उसको रूल आउटअप नहीं कर सकते हैं ठीक है लिखा भी मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन फंक्शनिंग ओके और फिर अपने ही जब उनके वहाँ पर पहुंचे रहते हैं तो पार्टिसिपेट करने लगती है. जैसे आरबीआई में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है अपने न्यूज में भी सुना होगा ऑटोनॉमी की जरूरत है ओके okay? चलिए एक डिमांड भी कि आरबीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता देना चाहिए task, okay? अभी हम रेगुलेटरी बॉडीज को ही डिस्कस कर रहे हैं आगे अगर इश्यू देखा है तो इनका रेगुलर ऑडिट नहीं होता है ठीक है ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं होती है जब किसी भी बॉडी की ऑडिटिंग प्रॉपर ना हो रिमेंबर तो दैट लीड्स टू करप्शन ओके क्योंकि आपको ये नहीं पता उन बॉडीज में क्या चल रहा है जैसे कि ऑडिट ऑफ रेगुलर रेगुलेटरी बॉडीज हैव नेवर बीन प्रायरटाइज बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी नहीं आता इन बॉडी को याद ऑडिट करना ओके okay? और जिसकी वजह से जब रेगुलर ऑडिट्स नहीं होते हैं कोई कोई एक टाइम पीरियड नहीं है इनका ऑडिटिंग कब होगी दैट लीस्ट टू दिस बॉडी इन्वॉल्व इन करप्शन ओके आपने शायद स्कैम नाइन देखा होगा उसमें देखा होगा किस तरह आर बी आई जो खुद ही परेशान रहती है बैंक से ओके जो उनके साथ बैंक वर्क कर रहे हैं कि कहाँ करप्शन चल रहा है सो so ये एक बड़ी दिक्कत आती है कि इन बॉडीज़ का ऑडिटिंग नहीं हो रही है जैसे आर बी ऑडिटिंग तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ करप्शन हो रहा है ओके तो ये एक सबसे बड़ा इशू है नेक्स्ट फेलियर फेलियर टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट अब कुछ कुछ जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको स्टैब्लिश किया गया है एनवायरमेंट ओरिएटेड बट स्टिल एनवायरमेंट में देखिए कितना पोल्यूशन है आज भी तो क्या ये बॉडीज फेल हो गई हैं उस लेवल का वर्क नहीं कर पा रही है जैसे मैं लिखा दिया मेनी रेगुलेटरी बॉडीज विच वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट ट दीज आर लिटल अचीवमेंट याद रखेगा टू काउंट ऑन बहुत कम अचीवमेंट इनके बाद जैसे सेंट्रल पोल्यून कंट्रोल बोर्ड स्टिल इट इज फेल टू कंट्रोल वॉट वॉटर एंड एयर पॉल्यूशन अब देखिए रिवर में कितना पॉल्यूशन हो रहा है ठीक है तो क्या ये बॉडीज प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है इसलिए कह रहे हैं एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है एनजीटी जो है जो जजमेंट्स हैं आज भी बहुत डिले हो रही है इनकी जजमेंट्स जिसके लिए बनाया गया था कि जजमेंट बहुत स्पेसिफिक होगी एनजीटी को स्टैब्लिश किया गया था एक एनवायरमेंट रिगार्डिंग जजमेंट्स देगी ओके दे फेल टू डिलीवर द जजमेंट्स ऑन टाइम तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या कर रही हैं इन हैं एन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं ओके नेक्स्ट देखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब इन बॉडीज की जो तो ऑटोनॉमी आपने देखा था कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह इनकी करती है अब दिक्कत क्या है इनका जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो भी गवर्नमेंट के बजट से आता है सो so, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इनको रेगुलेट कर लेती है कि इतना पैसा है याद रखिएगा और रेगुलेटर बॉडीज आर डिपेंडेंट ऑन बजट रिसोर्स फॉर द डे दे टू डे फंक्शनिंग बजट का जो इनका पास आता है उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क कर सकती है और गवर्नमेंट थ्रू दे बजट प्रोविजन इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ दिस बॉडी अब जब वो पैसा आपको दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उन बॉडीज में इंटरफेरेंस भी करते रहते हैं तो ये अगेन इशू है रिगार्डिंग बॉट फाइनेंशियल

अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आरबीआई की बात करें अभी आरबीआई के गवर्नर की हम बात करें तो एक आई ऑफिसर हैं वो फाइनेंशियल मॉनिटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग नहीं उन्होंने कभी डील किया तो वो आई एस ऑफिसर हैं बट स्टिल दे हैव बीन अपॉइंटेड ही इज अपॉइंटेड दैट इज आरबीआई गवर्नर तो कहते हैं एक्सपर्टाइज नहीं होते उस पर्टिकुलर फील्ड के बट गवर्नमेंट अपने लोगों को वहां पर बैठा देती है रिमेंबर सो रेगुलेटरी बॉडीज आर जनरली अंडर स्टाफ पहले तो इशू है स्टाफ प्रॉपर नहीं है ऑल्सो लैक एक्सपर्टाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आई एस ऑफिसर्स को इन बॉडीज का हेड बना दिया जाता है अब तो तब भी बहुत सी बॉडीज में अब हेड नहीं रह रहे हैं बट स्टिल स्टिल देव बी डीलिंग बाईजी ओके पर्टिकुलर फील्ड के लिए एंड दे लैक इवन द बेसिक स्किल सेट टू डी द मैटर ऑफ दीज बॉडीज जिसकी वजह से बॉडीज उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है सो दीज आद सेवन मैंने आपको बताया वट आर द प्रॉब्लम विच आर फेसिंग इन रेगुलेटरी बॉडीज ओके तो क्या नहीं है क्या इस पर कोई वर्क नहीं किया जा सकता सोलूशन भी हैं देखिए मैं सोलूशन भी लिखे पहले तो मैंने बोला कि जो अपॉइंटमेंट होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलेटरी uh, बॉडी इसको यूनिफॉर्म किया जाए ठीक है कहीं पर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट मैनर में अपॉइंटमेंट कर रही है कहीं पर गवर्नमेंट अपने लोगों को वहां पर ऐड कर रही है रिमेंबर सो यूनिफॉर्म अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होना चाहिए जो गवर्नमेंट फॉलो करे रिमेंबर टर्म uh, जो मेंबर्स हैं उनका एक प्रॉपर टर्म हो हर मेंबर का और टेन्योर भी हो ठीक है एक टर्म और टेन्योर हो हर रेगुलेटरी बॉडीज में जो मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं ऐसा नहीं आप उनको कभी भी हटा रहे हैं तो दिस इज अ इशू और जो अपॉइंटमेंट है जो हेड होता है जनरली रेगुलेटरी बॉडीज के जो हेड होते हैं वो आप देखते हैं बड़ा पॉलिटिसाइज होता है उसमें पॉलिटिकल मेंबर्स मेंबर्स के जो ए, मेंबर्स है, उनको किसी ना किसी बॉडी का हेड बना दिया जाता है दिस इज अगेन द इशू द अपॉइंटमेंट जो होती है हेड ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज उसको भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है ओके पॉलिटिक्स के बंदे वहां पर इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए तो दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन जो गवर्नमेंट कर सकती है अब इसमें किस कर सकती है गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरह एक रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है इसमें इंडिपेंडेंट लगे वो बॉडीज ओके सेकंड है जो इनका बजट एलोकेशन है ओके बजट ऑफ दीस बॉडीज शुड बी चार्ज्ड याद रखिएगा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है शुड बी चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया याद रखिएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कंसोल्टेट फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं कहने का मतलब वो वोट नहीं होते हैं, उन पर सिर्फ डिस्कशन होता है मतलब उनका अमाउंट कट नहीं किया जा सकता रिमेंबर वो सिर्फ आप डिस्कस कर सकते हो वो पास होना ज़रूरी है वो तो पास हो ही जाएगा बजट में तो इस तरह इनके बजट एलोकेशन होने चाहिए जिससे ऑफकोर्स एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी इनको मिलेगी कि इनका बजट जो है गवर्नमेंट नहीं अपने बजट रिसोर्सेज से इनको कट कर देती है और फिर हो सकता है इनका बजट कम कर दिया जाए तो ये चार्जड होने चाहिए ये भी एक अगली रिक्वायरमेंट हो सकती है थर्ड अगर सोल्यूशन देखा है तो इनको रिव्यू करने की जरूरत है पार्लियामेंट को शुड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज इनकी जो फंक्शनिंग है जो ओवरलैप कर रही है गवर्नमेंट को इसको प्रॉपरली डिमार्केट करने की कोशिश करना चाहिए कि जो भी फंक्शन ओवरलैप कर रहे हैं वो ओवरलैप ना करें अगर कभी कोई केसेस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट रिव्यू करते रहे कि कोई ऐसे फंक्शंस हो जाता है गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई और हो सकता है वो जब अप्लाई करेंगे वो अपने फंक्शंस से ओवरलैप हो रहे हो तो गवर्नमेंट को उन ओवरलैपिंग फंक्शंस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए ओके okay, तो उसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा आपको फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ओके नेक्स्ट है आ, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंगल रेगुलेटर बना दीजिए इतने नंबर ऑफ़ रेगुलेटर्स मत रखिए इतने सारे जैसे मैंने बताया रेगुलेटरी स्प्रॉल हो गया है जैसे मैंने लिखा फाइनेंशियल सेक्टर में ही आप आरबीआई को ठीक आरबीआई बी स्टैब्लिश रहेगी फाइनेंशियल सेक्टर की भी है उसको अलग रखिए बाकी एक जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर की बॉडीज है उनके लिए एक बॉडी स्टैब्लिश कर दीजिए तो याद रखिएगा ये जो चीजें हैं जो ओवरलैपिंग होती है कंफ्लिक्ट आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैम्पर कर रहा है वो सब नहीं होगा तो गवर्नमेंट इस पर वर्क करी है ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बिल भी रखा मैंने आपको वजह से बताया तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस दिस सोलूशन ओके फिफ्थ देखा है बहुत सी कंट्रीज मैं आपको बताऊँ फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने अडॉप्ट किया एक टेक्निक जिसे कहते हैं आर आई ए रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट ठीक है बड़ी अच्छी चीज है रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट कहने का मतलब इंडिया भी मैंने लिखा है कि इंडिया भी ऐसी टेक्निक को अपना सकता है उसको एक लॉ के थ्रू रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट स्टैब्लिश किया जा सकता है मतलब बाय लॉ सरकार रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट बनाए ओके इसका काम क्या होता है ठीक है ऑफकोर्स ये आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट करेगी ये अगर रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट अगर क्रिएट हो जाती है एक्चुअली ये बॉडी क्या होती है इनका काम क्या है अ असिस्टमेटिक अप्रोच टू क्रिटिकली याद रखिएगा एस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट मतलब जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है उनके पॉजिटिव क्या इफेक्ट चल रहे हैं क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे रिमेंबर ऑफ द प्रपोज एंड एग्जिस्टिंग रेगुलेशन याद रखिएगा जो भी प्रपोज्ड है कि बॉडी स्टैब्लिश होगी ठीक है तो उससे पहले ही उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है याद रखिएगा तो प्रपोज्ड जो बॉडी होगी या जो एग्जिस्टिंग भी होगी उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे ओके okay. या तो जो नॉन रेगुलेटिव मतलब अभी बनी नहीं है बट वो अल्टरनेटिव में है ठीक है उसका भी ये पूरा इंपैक्ट बना के रखते हैं कि अगर इस बॉडी को इस तरह बनाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा तो एक तरीके से पहले से ही असेसमेंट हो जाता है कि कौन सी बॉडी की क्या दिक्कतें हो सकती हैं पहले से ही कहते हैं ना प्रिवेंटिव मेजर्स सरकार ले सकती है अगर सरकार रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट इस्टाब्लिश करती है जिससे कि प्रिवेंटिव स्टेप्स हो जाएंगे कि अगर ए, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है प्रॉपर डिटेलिंग हो जाएगी तब वो बॉडी को अगर क्रिएट करेंगे ज्यादा बेटर होगा और जो वर्किंग भी होगी एग्जिस्टिंग भी होगी उस पर भी आप पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट बना सकती है और जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं ठीक है जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं उस पर भी वर्क कर सकते हैं कि ये अल्टरनेटिव हो सकता है इसकी जगह ओके सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग कुड बी अडॉप्टेड ओके दिस आल्सो बेस्ट थिंग लास्ट में लिखा है जनरली फंक्शनिंग ऑटोनॉमी की जरूरत है मैंने आपको बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है डेली डेली अपॉइंटमेंट्स में उसके तो फंक्शनल ऑटोनॉमी की जरूरत है और उसके साथ साथ दैट शुड बी रेनफोर्स विद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आल्सो उनके जो बजट्स वगैरह जो है उसको भी इंडिपेंडेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए ओके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो बाय पुटिंग इन प्लेस इन सिस्टम वेर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डिपेंडेंट मतलब इस तरह आपको फंक्शन सिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है दे शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट क्योंकि तो फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू ही गवर्नमेंट उनको याद रखिएगा बुली भी कर सकती है तो ये जरूरत है ऑटोनॉमी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विथ रिमेंबर दैट इज फंक्शन ऑटोनॉमी बोथ आर नेसेसरी फॉर रेगुलेटरी बॉडीज ओके सो आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे आ, डिस्कस किए बट ये कोविड पेंडेमिक जिस तरह चल रहा है उसको रिलेट करते हुए मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है ओके क्योंकि तो ये आपको पता है जिस तरह रिसेशन चल रहा है मार्केट में मार्केट पूरा डाउन चल रहा है तो उस टाइम पर अगर इन बॉडीज़ को हम इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी फंक्शनल ऑटोनॉमी ओके ये सब प्रोवाइड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये सब प्रोवाइड करते हैं तो ये इनका इम्पैक्ट आगे वाली हमारे कोविड के टाइम पर बहुत अच्छा पड़ सकता है ऐसा मैंने कंक्लूजन दिखाया देखिए मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट कोविड नाइनटीन हैज कॉज अज इकोनॉमिक लॉस ये सब आप मानते होंगे एंड विल कंटिन्यू टू डू इन इमीडिएट फ्यूचर इमीडिएट फ्यूचर में भी बहुत लॉस होगा रिमेंबर सो टूडे अमंग मेनी एक्सपर्ट्स दे इज अ कंसेंसिस ट वी मे बी हेडेड फॉर नॉट ओनली स्लो डाउन बट इवन आर रिसेशन तो स्लो डाउन तो हो ही रहा है रिसेशन की ओर भी हम मूव कर सकते हैं इस टाइम पर हमको जरूरत है क्योंकि ये जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है बहुत सारे अफेयर्स को रेगुलेट कर रही है रिमेम्बर और अब यहां पर भी करप्शन हो जाएगा सोचिए इतना रिसेशन है इतना स्लो डाउन है इस टाइम पर भी बॉडीज में कंफ्लिक्ट होगा और इतने इशूज आएंगे तो और दिक्कतें होंगी सो इसलिए मैंने लिखा है दस देश ए नीड टू एम्पावर्ड हमें एम्पावर करने की जरूरत है किनको रेगुलेटरी बॉडीज को ठीक है क्यों एम्पावर करने की जरूरत है अगर ये एम्पावर्ड होंगी पॉलिटिकली पॉलिटिकली uh, जो इंटरफेरेंस है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है फंक्शन ऑटोनॉमी है इससे ये प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे तो और बेटर रिजल्ट्स आएंगे रिमेंबर सो एम्पावर करने की जरूरत है विच कैन स्टीयर रेगुलेशंस टू मेक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रूबूस या रखिए हमारे सेक्टर्स बेटर डेवलप करेंगे एंड स्मूथली मिटिगेट द इकोनॉमिक इंपैक्ट और धीरे धीरे करके जो भी इंपैक्ट्स हुए हैं ड्यू टू पेंडेमिक कोविड 19 उसको भी रिड्यूस कर सकेंगी ये बॉडीज ओके इसलिए उनको एम्पावर करने की जरूरत है तो मैंने एंड में इसको कंक्लूजन में कोविड से जोड़ दिया है बट देखिए प्रोज और जो कॉन्स में लिखे हैं मतलब एडवांटेजेस और सोल्यूशन uh, जो मैंने आपको बताए हैं इनके वो कॉमन है वो आप ये हर जगह चल रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं व्हाट आर दिस रेगुलेटरी बॉडीज वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ओके okay? वो एक स्टेडिशरी भी हो सकती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी हो सकती है ओके सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा दैट इज़ वॉट आर दीज रेगुलेटरी बॉडीज इसको मैंने मेन्स पर्स्पेक्टिव से किया है अगर आपको और हमारे लेक्चर्स अगर ऐसे ही देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें वहाँ पर आपको हमारे पूरे स्पेसिफिक कोर्सेज जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे अगर आप यू या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके okay? कोई डाउट क्वेरी है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें थैंक यू